नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जनरली जब आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन क्लेम करते हैं, और ऐसे में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यह डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यह डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। काफी सारे लोगों ने एक गलती की है, ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करते हुए उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन ली, लेकिन वो डिडक्शन उन्होंने जो है गलत क्लेम कर ली है। काफी सारे लोग ये गलती कर रहे हैं। मेरे सामने जब यह गलती आई तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसे में सेक्शन 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप यहां पर जो है एड 80D पर क्लिक करते हुए अपनी जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम की आपने पेमेंट की है वो आप यहां पर डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो अप टू 25,000 रुपीज आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई भी सीनियर सिटीजन मेंबर है तो यह डिडक्शन जो है 50,000 रुपए तक की आपको अलाउ की जाती है। अगर आपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो आप अलग से 25,000 रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो ऐसे में यह डिडक्शन 50,000 रुपए तक की क्लेम की जा सकती है। अब यहां पर गलती क्या की जा रही है कि पिछले कुछ सालों से, पहले क्या होता था, जो मेडिकल इंश्योरेंस होता था वो 1 साल के लिए ही किया जाता था। इट मींस आपने जो प्रीमियम पे किया है वो 1 साल के लिए वैलिड होता था। उस 1 साल के अंदर अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज होते थे तो अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपको वो जो है अमाउंट रिम्बर्स की जाती थी या फिर उतनी अमाउंट तक का जो है आपको क्लेम दिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से अब एक नई तरह का कॉन्सेप्ट जो है आ गया है, दैट इज अब जो है 1 साल से ज्यादा के लिए आपकी जो है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की जाती है। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 3 साल के लिए एक साथ आपसे प्रीमियम पे करा लिया जाता है और 3 साल तक आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस वैलिड रहता है। इट मीन्स 3 साल के अंदर अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसका जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो आपको रिइंबर्समेंट दी जाएगी या फिर उसका क्लेम आपको दिया जाएगा। अब काफी सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जब वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80D में क्लेम कर रहे हैं तो वो पूरी की पूरी अमाउंट, मान लेते हैं 54,000 रुपीज की जो है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, तो ऐसे में मैक्सिमम डिडक्शन जो है आपकी कितनी है, 25,000 रुपीज। और अगर आप मान लीजिए कोई भी सीनियर सिटीजन है तो यह डिडक्शन जो है आप 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर जो है अगर आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो यहां पर जो है आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो है अप टू 50,000 रुपीज जो है आप यहां पर देख सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये जो 54,000 रुपीज है ये 3 साल के लिए आपने पे किया है, तो ऐसे में ये जो इंश्योरेंस जो प्रीमियम आप क्लेम कर रहे हैं 54,000 रुपीज क्लेम नहीं कर सकते। लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो अपनी आईटीआर फाइल करते हुए जितना प्रीमियम उन्होंने पे किया 54,000 रुपीज वो एंटर करते हैं, और जितना उनको जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80D जितनी लिमिट्स है उस लिमिट्स तक जो है वो डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। लेकिन अब जब आपने ये 3 साल के लिए पे किया है तो आप इसको जो है 1 साल के अंदर क्लेम नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा, प्रोपोर्शनेटली इस डिडक्शन को क्लेम करना होगा, और यही बात जो है सेक्शन 80D में भी कही गई है। अगर आप 80D को रीड करेंगे तो सेक्शन 80D के अंदर कहा गया है कि अगर आप 1 से ज्यादा साल के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप जो है प्रोपोर्शनेटली जो है उसका जो डिडक्शन है वो अवेल करेंगे, क्लेम करेंगे। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, GST, TDS, ESIC, EPF, एडवांस टेली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। जो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड जो बातें हैं वही बातें की गई है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल अबाउट टैक्सेस डॉट इन पर जरूर विजिट करें। हमारी ऐप है ऑल अबाउट टैक्सेस के नाम से, प्ले स्टोर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो जरूर डाउनलोड कर ले। उसमें भी बहुत सारी फ्री वीडियोज आपको दी गई है। सेक्शन 80D सब सेक्शन 4A, जहां पर जो है बेसिकली कहा गया है अगर आप जो है प्रीमियम पे कर रहे हैं फॉर मोर देन 1 ईयर तो ऐसे में आप डिडक्शन कैसे क्लेम करेंगे। वेयर द अमाउंट इज पेड इन लमसम इन द प्रीवियस ईयर टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड देयर इन फॉर मोर देन ए ईयर देन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन देयर शेल बी अलाउड फॉर ईच ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर ए डिडक्शन इक्वल टू द अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट।
आप जो है इक्वली प्रोपोर्शनेट के अंदर जो है उसको डिडक्शन को क्लेम करेंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर आपने 54,000 रुपीज का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और ये जो है आपने 3 ईयर्स के लिए पे किया है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। तो अब ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 23-24, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड फाइनेंशियल ईयर 25-26, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर, तो यहां पर असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 एंड असेसमेंट ईयर 26-27, इन तीनों ही सालों में आप जो है 18,000, 18,000 एंड 18,000 जो है डिडक्शन क्लेम करेंगे रिगार्डिंग योर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। और वो जो आपने पेमेंट की है उसके रिगार्डिंग जो भी आपको पॉलिसी मिलेगी, जो भी आपको पेमेंट रिसीट मिलेगी, वो जो है आपको संभाल कर रखनी होगी, सो दैट कि इन फ्यूचर ईयर जब आप उसको क्लेम करेंगे उस डिडक्शन को, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि आपने जब इनिशियली प्रीमियम पे किया था तो वो 1 से ज्यादा साल के लिए प्रीमियम पे किया था, तो इसी केस के लिए जो है आपने प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन क्लेम की है। तो ये बेसिकली एक बात थी जो मेरे सामने आई, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारी बारीकियां जो है हमने अपने जो कोर्सेज हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग, टीडीएस के रिगार्डिंग, ईएसआईसी एंड ईपीएफ के रिगार्डिंग, इन सभी जो कोर्सेज के अंदर जो है बहुत डिटेल्ड में जो है विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप जो है ईच एंड एवरी इशू को कवर किया है। जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, ईएसआईसी, ईपीएफ, टीडीएस, तो ऐसे में हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और जो है प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाते हैं और बहुत सारी फाइल जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आप भी ऐसी गलती ना करें। इसके लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।